विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि बारिश बाढ़ की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार मदद नहीं कर रही है। पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भी शिंदे सरकार मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर रही है? सरकार चाहती तो सभी जिलों में जन प्रतिनिधियों जिलाधिकारियों के माध्यम से नुकसान की समीक्षा कराती, लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मिलकर राज्य चला रहे हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? इससे जनता की समस्याओं का निवारण नहीं होने वाला। पिछले दिनों सीएम और डीसीएम दोनों गढ़चिरौली जिले पर आए थे, लेकिन दुर्गम भागों तक नहीं पहुँच सके, साथ ही किसानों की मदद भी नहीं कर पाए। विपक्ष ने मानसून सत्र बुलाने की भी मांग की ताकि किसानों सहित जनता की समस्याओं को विधानसभा में रखा जा सके। सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। लगता है कि शिंदे सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दिल्ली से ही मंजूरी नहीं मिली होगी। जरूर राज्याचे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री घेऊन गेले, परंतु त्यावेळेस त्यांना गडचिरोलीचा जो दुर्गम भाग आहे, आतला भाग आहे, तिथे जाताही आलं नाही, कारण पाणी जास्त होतं आणि गाड्या तिथे जाऊ पण शकत नव्हत्या। आणि जी अपेक्षा होती ती ज्या पद्धतीनं त्यांना मदत मिळायला पाहिजे होती, कारण SDRF याच्यामार्फत केंद्र सरकार मदत करत असतं। आम्ही ज्यावेळेस उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालवत होतो त्यावेळेस अशा प्रकारची नैसर्गिक संकटं चक्रीवादळाची किंवा अतिवृष्टीची आली तर आम्ही SDRFचे नॉर्म बाजूला ठेवून त्याच्यामध्ये 2.5 पट तिप्पट वाढ करून लोक शेतकऱ्यांना मदत करायचो। ह्यावेळेस एक गोष्ट पाहायला मिळाली की अतिवृष्टीमुळं मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या देखील चित्र विशेषतः मराठवाडा विदर्भामध्ये पाहायला मिळतं आहे, आणि हे अतिशय दुर्दैवी शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून गोष्ट घडलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।